अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको फ्रैकल का मसला, आपके चेहरे पर निशान आते हैं, हल्के पड़े हैं आपको, और जब आप कोई भी मेकअप बेस यूज करते हैं तो वो हल्के से मदम से दिखाई देते हैं, तो फिर आज की वीडियो आपके लिए। ये देखें, इस तरह किसी भी कलर के निशान हो, पिंपल कलर के निशानात हो जाए, चाहे वो रेड कलर में या ब्राउन कलर में, किसी तरह के ब्लैक कलर के निशानात हैं, ये बैकग्राउंड पे सारा कवर कर देगी, ये भी निशान बाकी नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं, निशानात हैं, फ्रैकल हैं, आपको हल्के पड़े हैं, इस तरह का कोई भी मसला है, जब आप कोई भी मेकअप बेस यूज करते हैं तो बेस के बावजूद वो आपके बैकग्राउंड पे जो निशान आते हैं वो मदम से दिखाई देते हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए। मैं हूँ अब्दुल्ला रिसर्चर, ब्यूटी एक्सपर्ट, डिप्लोमा होल्डर, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने लाइकी पे दाग धब्बों वाली स्किन के लिए एक बेस के मतलब का वीडियो अपलोड की थी और लोगों ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए कि यूट्यूब चैनल पे हम जो है ना वजाहत के साथ सारी चीज़ें बताएं। तो अगर आपकी स्किन पे दाग धब्बे हैं, निशान आते हैं, तो फिर मैं आपको बेस रिकमेंड करूँगा। तो ये देखें, जैसे कि मैंने निशानात लगाए हैं अपने हाथ पे, ये देखें आपके चेहरे पे निशान किसी भी कलर के हैं, जिस भी तरह के हैं, रेड कलर में है, पिंपल के निशान है, जख्म के निशान है, किसी तरह के भी डार्क से डार्क कलर के निशान हो, रेड कलर में हो या किसी और ब्राउन कलर में हो, तो आपके सारे निशान बैकग्राउंड पे जो है वो नजर नहीं आएंगे। ये देखें, अब मैं ये डर्माकास्ट की बेस लगा रहा हूं। ये देखें, मैंने ये थोड़ी सारी बेस लगाई है, मैंने प्रेस नहीं किया, ठीक है। ये देखें, इसकी कवरेज बहुत ज्यादा है, आपने जहां से भी लेनी है, इंपोर्टेड लेनी है, लोकल मत लीजिएगा। ये देखें, ये देखें, इसने सारे ही दाग धब्बे जो है ना वो छुपा दिए। ये रिजल्ट है इस बेस का। और फिर वहां पे भी लाइकी पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि हम आपसे ही खरीदना चाहते हैं, हमें बताएं हम किस तरह खरीद सकते हैं। तो यूट्यूब पे इसलिए जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक तो आपके सवालात जो हैं, आप ये चीज़ें देखना चाह रहे थे, और दूसरा ये कि मैं तफसील बता दूँ, अगर आपको ये परचेज करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ, 0300-715-1100, मोबाइल नंबर नहीं, ओनली व्हाट्सअप नंबर। आप इस नंबर पर रब्ता करके मुकम्मल तफसील लिख दें या बोल दें कि आपको ये बेस चाहिए, तो बदरिया डाक आपके घर में पाकिस्तान के किसी भी शहर गांव से आप तल्लुक रखते हैं, आपको ये प्रोडक्ट घर बैठे मिल जाएगी। एक और बात बताता चलूं, जो कि मैं एक सिर्फ ब्यूटी एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ शॉपकीपर नहीं हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सोशल वर्कर भी हूं, यूट्यूबर भी हूं, स्टूडेंट भी हूं, राइटर भी हूं, तो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मुझे देखना होता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत दें, तो हम सिर्फ एडवांस में पेमेंट लेते हैं, आपके पते पे पोस्ट भिजवा देंगे। मेरी वीडियो देख रहे हैं कोई बंदा मुझे बता दे कि किसने पैसे सेंड किए हैं, उसे चीज़ ना मिली हो, तो ऐसा नहीं है। और मैं बताता चलो कि ऑनलाइन वो लोग फ्रॉड करते हैं जिनकी खुद की अपनी कोई पहचान नहीं होती। तो मेरा नाम अब्दुल्ला रिसर्चर है, मेरा नंबर 0300-715-1100 व्हाट्सअप नंबर, आप गूगल पे जिस चाहे ऐप पे सर्च करें, इंशाल्लाह डाटा सामने आ जाएगा। तो मैं हुकूक के तौर से इंसानियत गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड अदारा जिला सियालकोट का प्रेसिडेंट भी हूँ। मेरा मसला यहाँ पे ये है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। आमतौर पे क्या होता है कि वो पोस्ट ऑफिस वाले में बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी की सूरत में, जब आपके पैसे आए हैं आप आके रिसीव कर लें, आपके 300, 500, 5000, 10000 वगैरह वगैरह पैसे आए हैं तो आके रिसीव कर लें, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो ऑलरेडी हमारे पास इतने कस्टमर्स होते हैं जो कि एडवांस में पेमेंट सेंड करना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, हम उनको ही टाइम नहीं दे पाते। तो अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो मैं नंबर दे चुका हूँ। अगर आपको ब्यूटी के हवाले से कोई भी मसला है, स्किन के हवाले से, बालों के हवाले से आपको कोई भी मसला है, तो आप हमें कमेंट्स कीजिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जो कमेंट्स ज़्यादा होंगे, मतलब जिस चीज़ के बारे में लोग पहले जानना चाहते होंगे, जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट की होगी, वो वीडियो क्रिएट करूँगा, और आस्ते आस्ते इंशाल्लाह सब टॉपिक पे वीडियो क्रिएट करूँगा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।